सब्सक्राइब करें हाउ टू बडी चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं YouTube आपको नोटिफिकेशन भेज दे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर 4000 आवर्स का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स 22nd फेब से पहले गेन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा टॉपिक चूज करें जो लोग देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टैग चैनल है, जैसे कि टैग चैनल पे आजकल अनबॉक्सिंग और रिव्यूज की वीडियोस काफी देखने को मिलती हैं, तो आप उस फोन या गैजेट की अनबॉक्सिंग करें जिसकी डिमांड है। जरूरी नहीं है आपका गैजेट बहुत ही एक्सपेंसिव होना चाहिए, लेकिन वो इंटरेस्टिंग जरूर हो। इस तरह के गैजेट्स आपको अमेजोन और ईबे पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से बाय कर सकते हैं इस तरह के गैजेट्स। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जिस टॉपिक को आप 5 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं उसको आप इतना लंबा करें कि उसकी वीडियो 20 मिनट की बन जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस टॉपिक की वीडियो आप 5 मिनट में बना सकते हैं उस टॉपिक को आप इतना शॉर्ट करके 2 मिनट की वीडियो बना दें उसमें जल्दी जल्दी बोलकर या फिर वीडियो को स्पीड अप करके। और सपोज करें आपके पास एक टॉपिक है वेब डिजाइनिंग का। अब वेब डिजाइनिंग करने में काफी टाइम लगता है और उसके पूरे कोर्सेज होते हैं। अगर आप इस टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना चाहेंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा और ये वीडियो काफी लंबी होगी और कोई व्यूअर इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो बना दें और ट्यूटोरियल पार्ट 1 के अंदर आप अपने व्यूअर्स को बता दें कि इस वीडियो का पार्ट 2 उनको कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा और उनसे कहें कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी आप कोई नई वीडियो अपलोड करें उनको पता चल जाए। इस तरह आपके सब्सक्राइबर्स भी गेन हो जाएंगे और आपके पास वॉच टाइम भी आ जाएगा। अगर आप YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको YouTube पे पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा और जब आप अपना ओन कंटेंट क्रिएट करेंगे तो उस पर आपको टाइम और मेहनत दोनों लगेंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वीडियोस पहले स्क्रिप्ट कर लिया करें। वीडियो स्क्रिप्ट करने से आपको वीडियो बनाने में आधा टाइम लगेगा और आपसे कोई पॉइंट भी मिस नहीं होगा आपके टॉपिक का। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्रैंक चैनल के भी प्रैंक्स भी स्क्रिप्ट करें, मैं आपसे उन कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ जिसपे स्क्रिप्टेड वीडियोस हेल्पफुल होंगी। बाकी आप खुद भी समझदार हैं। कभी कभार हार्ड वर्क करने से अच्छा होता है कि आप स्मार्टली वर्क करें। सो मैं आपको इधर हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सेम कंटेंट की प्लेलिस्ट बनाएं। प्लेलिस्ट बनाने से आपकी वीडियोस एक वीडियो एंड होने पे अगली वीडियो खुद ही खुद शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 फोटोशॉप ट्यूटोरियल बनाए हैं तो अगर कोई बंदा आपका एक फोटोशॉप ट्यूटोरियल देख रहा है तो यकीनन वो आपके 4 फोटोशॉप ट्यूटोरियल और देखने के लिए भी इंटरेस्टेड होगा। तो अगर आप उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे तो आपका एक फोटोशॉप ट्यूटोरियल एंड होने पे अगला खुद ही खुद शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आपके सारी वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम भी आ जाएगा और फिर अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपको सब्सक्राइबर्स भी ऑटोमेटिकली। हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिव्यू करना है किसी मोबाइल का तो आप ऐसे फोन का रिव्यू करें जो अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है। मुझे पता है वो काफी एक्सपेंसिव होगा। शुरू में आपको खुद गैजेट्स बाय करने पड़ेंगे, फिर जब आपका चैनल एक लेवल पहुंच जाएगा फिर कंपनीज आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेंगी और आपको प्रोडक्ट भेजेंगी ताकि आप उनके अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर पाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बेशक आप फोन बाय ना करें और उसको शो भी ना करें वीडियो के अंदर, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नेट से उठा लें और उसकी कुछ पिक्चर्स उठा लें नेट से, फिर उनका स्लाइड शो बना के उसका वॉइस ओवर कर दें और वीडियो बना दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी चैनल की वीडियो उठाकर उसको वॉइस ओवर कर दें। अगर आपने ऐसा किया तो आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगी और हो सकता है आपका चैनल बैन हो जाए। हमेशा वीडियो की अहम चीज लास्ट में बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फोन का रिव्यू और अनबॉक्सिंग कर रहे हो और आपको गिव अवे भी करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गिव अवे सबसे लास्ट में करो और वीडियो शुरू होने के बाद आप व्यूअर्स को बता दो कि आप लास्ट में गिव अवे भी करोगे। गिव अवे की वजह से सारे व्यूअर्स आपकी वीडियो देखते रहेंगे बिल्कुल लास्ट तक, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम भी मिलेगा और अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर्स भी जनरेट होंगे। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोस अपने यूट्यूब के होम पेज पे देखने के लिए। और आप हमारी नोटिफिकेशन स्क्वाड भी ज्वाइन कर सकते हैं इस बेल आइकन के दबा के, इधर से आप मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं।